अच्छा फिर एक और बहुत बड़ा मिथ CSS की प्रिपरेशन के हवाले से कि जी जिस दिन आपने CSS की तैयारी शुरू करनी है उस दिन अखबार पकड़ लें, अखबार उस दिन से पढ़ना बहुत जरूरी, कतई जरूरी नहीं है। देखिए ये बड़ी ही कैलकुलेटेड सी स्टडी है CSS की। अखबार दो तरीके से आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, एक तो आपको करंट अफेयर के साथ वो आगाह रखता है नंबर वन, नंबर दो आपको इंग्लिश दे रहा होता है। अगर तो आपने कोई इंग्लिश का अखबार इंग्लिश के लिए पढ़ना है तो फिर तो वो ठीक है, आप उसको उसमें से आप वोकैब निकाल सकते हैं, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको करंट अफेयर्स के हवाले से पढ़ना है तो उसको डे वन से पढ़ना मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि फरवरी मार्च में आप तैयारी शुरू करते हैं, फरवरी मार्च के अंदर जो चीज़ें करंट हैं, जो अहम हैं, जो अखबारों के बीच में चल रही हैं, वो एंड तक जाते जाते उन्होंने बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, वो डेड हो चुकी होंगी। करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर की प्रिपरेशन के लिए आपको रेलेवेंट चीज़ें चाहिए जो उस टाइम के ऊपर हॉट है। अब अखबार जो है जाहिर है कि फिर आखिरी 3-4-5 महीनों का जो है वो अहम बनता है। तो डे वन से बच्चे मैंने देखा है कि जी जंग शुरू हो गई है फलाम मुल्क के साथ, अच्छा अब उसने इतने गोले चलाए, उसने इतने, तो रोज उन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया होता है, टोटली एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। टोटली इसे आप अवॉइड करें, बड़ा ये यूज समझ लें कि कैलकुलेटेड आपके पास टाइम है। ये जिस तरह CSS में अक्सर मिसाल ये दिया करता हूँ कि एक दो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, एक रबड़ है और एक लोहे की स्टिक है। अब रबड़ को आप जितना खींचेंगे, जितना जोर लगाएंगे, वो रिस्पॉन्ड करेगी, खींचेगी, उसका साइज बड़ा होगा। लोहे के ऊपर आप जितना मर्जी जोर लगा लें यार, वो कितना आप उसको बड़ा कर सकते हैं, वो तो उतने का उतना ही, उसने उतना ही रहना है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। CSS के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये इस तरीके से होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे वो उतना ज़्यादा आपको पे बैक कर रही होंगी। ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम लगाएं, इन पे इन्वेस्ट करें, और ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप टाइम लगाएंगे तो उसने पे बैक नहीं करना। बिल्कुल आप इसमें कंजूस अपनी अप्रोच रखें, ये एक बड़ी प्योर बिजनेसमैन अप्रोच है कि कोई चीज़ आपको पे बैक करेगी, इम्तिहान में पूछी जाएगी, फिर आप करेंगे। CSS इट्स नॉट अबाउट गेनिंग नॉलेज, ये नॉलेज का इम्तिहान नहीं है। तारक अज़ीज़ शो में आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ उतना ही नॉलेज आपको चाहिए जिस तरह नॉलेज आपसे किसी चीज़ के बारे में पेपर में पूछा जाएगा और जितना आप आधे घंटे में रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। अब आप फर्ज करें कि कश्मीर इशू है, फर्ज करें कश्मीर इशू के बीच में, देखिए ना कश्मीर इशू अगर आ जाता है 2-3 एंगल से तो आधे आधे घंटे में आपने लिखना है ना यार, या ऐसे की सूरत में आ जाएगा तो मैक्सिमम 3 घंटे का मटीरियल है। आपने उस पर 25 किताबें अगर पढ़ी हुई हों कश्मीर इशू के ऊपर और आपने कोई 4 रजिस्टर भरे हुए हों, बच्चे करते हैं इस तरह कि जी कश्मीर इशू पे मैं PhD हूँ, PhD नहीं करनी यार, आधे घंटे में आपने प्रोड्यूस करनी है चीज़। फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए जो आप 3 घंटे में दे सके, अगर आपको ऐसे भी आ गया, बहुत ज़्यादा व्यू हो गया तो इससे ज़्यादा ना जाइए वेस्टेज ऑफ टाइम में। इलम के लिए पढ़ना हो तो CSS की प्रिपरेशन के बाद में फिर आप पढ़ लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट।